हेलो दोस्तों, हम आपसे बात करने वाले हैं लालू प्रसाद यादव के बारे में। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव एक भारतीय राजनीतिज्ञ एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने सन 2004 से सन 2009 तक केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार में रेल मंत्री का कार्यभार भी संभाला था। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का व्यक्तित्व और बोलने के चुटकीले तरीके ने उन्हें भारत में बहुत लोकप्रिय बनाया है। वे न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियत हैं। वे छात्र नेता भी रह चुके हैं। उनकी सहज नेतृत्व क्षमता और अद्भुत राजनीतिक समझ ने उन्हें बिहार की सबसे चहेती राजनीतिक हस्ती बना दिया। लालू यादव 7 वर्ष तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। सर्वाधिक समय तक किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष बने रहने के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दोस्तों, रेल मंत्री के रूप में उन्हें भारतीय रेल प्रबंधन और प्रशासन को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए जाना जाता है। लालू यादव का नाम चारा घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के मामले में भी आया। उन्हें बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की अदालत ने 3 अक्टूबर 2013 को 5 साल कारावास की सजा सुनाई और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी। वे 2 महीने तक जेल में रहे, जिसके बाद 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। लालू यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज में फुलवरिया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके माता पिता का नाम मराछिया देवी और कुंदन राय था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोपालगंज से प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए पटना चले गए। पटना के BN कॉलेज से इन्होंने लॉ में स्नातक और राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। वे कॉलेज के समय से ही छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे। यहाँ से उन्होंने राजनीति की मुख्य धारा में प्रवेश किया और जैसा कि कहा जाता है कि बाकी को इतिहास है, 1 जून 1973 को उनका विवाह राबड़ी देवी से हो गया। उन दोनों के 2 बेटे और 7 बेटियाँ हैं। लालू प्रसाद यादव ने छात्र राजनीति में बहुत सक्रिय थे। सन 1970 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव चुने गए। वे जयप्रकाश नारायण, राज नरेन, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे नेताओं से बहुत प्रभावित थे। सत्येंद्र नाथ नारायण सिन्हा, जो बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और बिहार स्टेट जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, के सहयोग से लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव लड़ा। लालू प्रसाद यादव ने चुनाव जीता और भारतीय संसद में सबसे युवा सदस्य के रूप में एक बन गए। उन्होंने छपरा और मणिपुरा से लोकसभा से चुनाव जीता और यूपीए सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री पर पद संभाला। लालू यादव ने घाटे में चल रही रेलवे को एक फायदेमंद संगठन बना दिया। लालू द्वारा लाया गया रेल का यह परिवर्तन भारत के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों के साथ साथ दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों ने शोध का विषय बन गया। सन 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी हारकर सत्ता से बाहर हो गई और सन 2009 में लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के केवल 4 सांसद ही जीत सके और लालू को केंद्र सरकार में कोई जगह नहीं मिल पाई। सन 2005 से लेकर अभी तक उनकी पार्टी राज्य की सत्ता से बाहर है। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार ने BJP के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। दोस्तों, लालू यादव अपने प्रदेश बिहार में काफ़ी लोकप्रिय हैं और स्थानीय लेखकों ने उन पर कई किताबें भी लिखी हैं। वे टेलीविजन पर आने वाले मनोरंजन कार्यक्रम का हमेशा से हिस्सा रहे हैं। तंबाकू से लेकर चॉकलेट और गुड़िया से लेकर प्रसाधन सामग्री तक प्रत्येक उत्पादनों में उनकी नकल उतार कर उनके नाम पर उपयोग करके बाजार में अपनी जगह बनाई थी। दोस्तों, जब लालू रेल मंत्री थे तब भारतीय रेल घाटे में से निकलकर मुनाफे की ओर लौट आई। रेलवे की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के कारण ही कई मैनेजमेंट स्कूलों ने लालू यादव के नेतृत्व की प्रशंसा की और उन्हें हार्वर्ड तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों ने सैकड़ों विद्यार्थियों को संबोधित करने का मौका मिला। रेलवे के इस उपलब्धि का अवलोकन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के विद्यार्थियों द्वारा भी किया गया। तो दोस्तों, ये था लालू यादव का जीवन परिचय। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।